RC15 पर उठे सवाल। RC15 में आया एक नया ट्विस्ट। रामचरण की कौन सी फिल्म को कर रहा है बॉलीवुड बॉयकॉट? क्या RC15 कर पाएगी फैंस को खुश? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रामचरण जल्द लेकर आ रहे हैं अपनी 15वीं अपकमिंग फिल्म RC15। आपको बता दें कि ये एक पॉलिटिकल ड्रामा ऊपर बेस्ड एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। ऑब्वियसली ये तो फिल्म के नाम के साथ ही क्लियर है कि फिल्म में रामचरण लीड एक्टर के किरदार निभाने वाले हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इससे पहले रामचरण की रिसेंटली रिलीज फिल्म आचार्य, जो 2022 में रिलीज की गई थी, उस पर काफी सवाल उठे हैं। कुछ लोगों का कहना था कि इस फिल्म में दिखाए गए कुछ सीन्स उनके रीजनल रूट्स और कल्चर के साथ खिलवाड़ करते हैं। साथ ही साथ दूसरी ओर बात करें तो कई लोगों का कहना है कि ये फिल्म उनके सेंटीमेंट्स को हर्ट कर रही है एंड इसे बॉयकॉट आचार्य के ट्रेंड के साथ हर जगह वायरल किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, बात करें आमिर खान की फिल्म PK या फिर अक्षय कुमार की फिल्म OMG, तो उस समय ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी सामने तो नहीं आई जितनी रामचरण की फिल्म आचार्य को झेलनी पड़ रही है। इसी के साथ ही फिल्म के मेकर्स इस बात को लेकर काफी स्ट्रेस्ड है कि कहीं उनके फिल्म RC15 को भी ऐसा ना फेस करना पड़े जिसके साथ फिल्म के प्रोडक्शन एंड एक्टर की रेपुटेशन पर कोई आंच आए। एनीवेज दोस्तों, ऐसा कुछ भी ना हो इसके चलते फिल्म मेकर्स काफी तैयारी के साथ चल रही है। टॉकिंग अबाउट लोकेशन ऑफ RC15, तो ये फिल्म हैदराबाद भी शूट की जाएगी। इस फिल्म में कियारा आडवाणी भी लीड रोल करती दिखाई देंगी। एज पर द सोर्सेस, ये फिल्म 2023 के शुरुआत में रिलीज हो सकती है। दोस्तों, इस फिल्म की शूटिंग तेलुगु तमिल में एक साथ की जा रही है। ऐसे सुनने में आया है कि इस फिल्म का बजट काफी ज्यादा होने वाला है, जो कि 170 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। दोस्तों, इसी के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त को दे दीजिए इजाजत। और आपकी इस मूवी यानी कि RC15 को लेकर क्या सजेशंस या फीडबैक है, ये हमें जरूर बताएं।